बड़ निवेश संभावना दिल्ली में निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव शिल्पपति आमंत्रण निवेशकों सहित मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी वन टू वन आलोचना उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव निवेशकों बैठक आगामी पांच वर्ष में 5 लाख कोटी पूंजी निवेश लक्ष्य रखी एवं फूड प्रोसेसिंग आईटी केमिकल क्षेत्र में पूंजी निवेश आलोचना है। संपर्क में आम आलोचना करवा आम सहित दिल्ली में जोड़ आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल रही आम सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव साहू फोन लाइन रही गगन प्रथम आप आसपी चाहिए मीटिंग प्रथम कहतु जे आरंभ है ना नहीं प्रथम द्वितीय कथा जे गगन देखु पूर्व सरकार अर्थात बीजेडी सरकार जो निवेशक माने रही पूंजी निवेश नक ओडिशा रे फेरी जाइथिले किंतु एथर गोटे बड़ पूंजी निवेश रो आशा संचार है गगन देखो निश्चित भाव गोटे संतुलित वातावरण जेपर्यंत राज्य में आपड़ सृष्टि करेंगे ना से पर्यंत जिते मेकिनेचा कनक्लेव करूँ कि पुंजी निवेश कनक्लेव करूँ ता सफल हेब ना चलित थर सरकार परिवर्तन होई सरकार मानसिकता बदली सरकार चाहूं कि जो मेक इन ओडिशा कनक्लेव जनवरी मसने तार नाम से चेंज कर उत्कर्ष ओडिशा उत्कर्ष ओडिशा को लेकिन से आज शोकेस कर दिल्ली आईटीसी मोरिया होटेल बर्तमान निश्चित भाव जो बैठक कथ आप कौन सर्वप्रथम बैठक बर्तमान सरी सारी आईसीएल रे सीएमडी रही सहित प्रथम बैठक था आईसीएल अनेक गुड़े क्षेत्र में पूंजी निवेश कर आगामी दिन में किभ आपक इनवेस्ट कर आईसीएल पक्षर और पेट्रोलियम मंत्रालय पक्षर एने गोटे विस्तृत आलोचना सर्वप्रथमे मुख्यमंत्री और टीम मुख्य शासन सचिव थे इंडस्ट्रियल मंत्री थे व्यापक आलोचना सहित होती तावर्त पर्यायर पाखापाखि मंदाकिन 34 राष्ट्रर जो प्रतिनिधि रही जो थे कि 34 राष्ट्र भितर इंडोनेशिया ठार आरंभ कर चीन ब्राजिल अमेरिका भली अनेक राष्ट्र रही जो राष्ट्रर प्रतिनिधि मान रही आंबासडर मान रही से बड़ बड़ लीडिंग इंडस्ट्री बिजनेसमैन मान रही जो मान सहित वर्तमान इंटरेक्शन जारी रही पाखापाखि अध घंटू अधिक समय है इंटरेक्शन जारी रही आहरी हूं तो अध घंटाए घंटे पर्यटन इंटरेक्शन हम और परवर्त पर्यायर मुख्यमंत्री मोहन माझी गणमाम को निजर प्रतिक्रिया रखे और निश्चित भाव ओडिशार कौन आप देखिए संभावना रही कौन कौ क्षेत्र में सेने इनभेस्ट करें देखो ओडिशार गोटे सुदीर्घ बेलाभूमि रही पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर सुजोग रही व्यापक खनिज पदार्थ आम रही या सहित टूरीजम रोटे व्यापक संभावना राज्य रही ये सबू को लक्ष्य रखिक गोटे वीडियो प्रोडक्शन कराइला जो वीडियो टी प्ले कर सब राष्ट्र जो रिप्रेजेटेटिव मान रही से आगे आम विभिन्न राष्ट्र प्रतिनिधि मान प्रतिक्रिया नौलु से कहवा कथा से इंटरेस्ट अच्छा ओडिशा जदि भल वातावरण मिले निश्चित भाव इनवेस्ट करने के पठेबे ना निश्चित भाव समस्ते इंटरेस्ट अच्छा इनवेस्ट करने निश्चित भाव जो जनवरी मस में कनक्लेव कर राज्य सरकार मंदाकिन पूर्व ये रोड शो कर हेत आगामी दिन में आउ विभिन्न राज्य में ये रोड शो कर दिल्ली में रोड शो कर मूल उद्देश्य रही दिल्ली में अनेक जो इंडस्ट्री रही भारत वर्ष में तार कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली रही गगन जमी आप आलोचना करे निवेशक मान संख्या निहती भाव में बढ़ू बोली आम आशा करवा आग को जाऊ बोली आम आशा करवा जमी आप कहते हुए तो आउ किसी समय मध्य मुख्यमंत्री निजर गणमाम सामने आसी प्रतिक्रिया रखिपारती तेणु आप घटना पर नजर रखु फेरुच्छे आपट को आम सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव साहू रही श्रीजुक्त साहू आलोचना को स्वागत करुच्छे श्रीजुक्त साहू आपके जानापी मुझे चाहिए जो लक्ष्य रही जे 5 वर्ष 5 लाख कोटी रा पूंजी निवेश एहा कुनी आपण ओडिसा रा भविष्यत को केमती देखु चंते देखंतु मु तो ऑप्टिमिस्टिक मो मध्ये आशा करबी जे ओडिसा रा जो फाउंडेशन अछि ओडिसा रा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिसा रा जो पोटेंशियल अछि 5 लाख कोटी रा इन्वेस्टमेंट किछि बड़ कथा नै सेति पई समस्तंगर सहयोग एवं ओडिशा सरकार तरफ रु जो प्रोत्साहन मिलवा कथा एवं सेटा जदि मार्केट रे पूंजी निवेशकारी माने जिनस को जानिबे ते माने निश्चय ओडिशा को उच्चार सहित आसीबे एवं ता संगे संगे
ଆମର କେବଳ ଯେ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଗୁଡିକ ମେଟାଲ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମେ ଇଭି କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଆମେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ଦଳର ସରକାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସବୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ବିଜନେସ୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୁଜରାଟ କୁହନ୍ତୁ, ତାମିଲନାଡୁ କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଯଦି ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା। ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳରେ ଥିଲେ। ଗଗନ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।